हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए BHIC 103 के सॉल्व असाइनमेंट। ये हमारे लेटेस्ट असाइनमेंट है जो कि हमारे लेटेस्ट स्टूडेंट जो जिन्होंने अपना एडमिशन लिया है 21-22 के सेशन में, उनके लिए हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये पार्ट सेकंड है, पार्ट वन हमारा 101 के कोड में था, तो ये हम आपके लिए लेकर आए हैं आज फ्री ऑफ कॉस्ट इन दिस वीडियो में। और ये वीडियो आपका बिल्कुल फ्री होने वाला है, इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने और आपको जस्ट वीडियो को एंड तक देखना है। तो यहाँ पे हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो से रिलेटेड और जानकारी आप हमारे पहले वीडियोस में देख सकते हैं, सो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वन बाय वन सारे वीडियोस देख सकते हैं और उसमें अपना आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि हम वीडियो के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट असाइनमेंट दे रहे हैं। तो आप आगे हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट में हमें बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो यहाँ चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर, ये है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पहले की जैसे आपने वीडियोस देखी हैं, पहले के आपने 3 पार्ट असाइनमेंट के करे हैं, पहले के जो 2 पार्ट हैं अगर आपने असाइनमेंट के करे हैं तो आपने उसमें देखा है कि दो हमारे जो असाइनमेंट है उन दोनों में ही 3 पार्ट में डिवाइड है हमारा पेपर। इसी तरह से ये भी पार्ट में हमारा पेपर जो है डिवाइड है 3 पार्ट में। पहले के 2 क्वेश्चन हमारे 500 वर्ड के हैं, यानी हर आंसर आपको इन दोनों में से 500-500 वर्ड में करना है। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो 250 वर्ड में है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारे पास। इसके अलावा थर्ड पार्ट में आपको 100 वर्ड का आंसर करना है बस। सो इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे और उसको बताएंगे कि किस तरह से आंसर आपको लिखना है, क्या क्वेश्चन का मीनिंग है। कई सारे स्टूडेंट देखिए हमारे ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं पता, वो जस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। जैसे ये PDF अवेलेबल है अब जो ऑलमोस्ट बहुत कम प्राइस में मिल जाता है PDF, तो उसी को कॉपी पेस्ट करने में लग जाते हैं बिना ये जाने कि क्या मीनिंग है क्या है, क्योंकि जब वो एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में फिर उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करना है अब इसका। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको पूरा क्वेश्चन समझना है, पूरे चैप्टर्स को समझना है। और भी आगे हम नोट्स लेकर आएंगे अपने, तो वो सभी चीज़ें आप देख सकेंगे। तो यहाँ पर पहले हम असाइनमेंट का सॉल्यूशन कर लेते हैं, आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लिख सकते हैं। सो BHIC 103 हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इवॉल्यूट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एंशियंट इंडिया साइंटिस्ट लाइक फिलोसोफर्स इन वेरियस ऑफ इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो आपको इसमें इंडिया के जो पुराने प्राचीन फिलोसोफर्स हैं, ओके, जिन सिद्धांतवादी हैं उनके बारे में बताना है। सबसे पहले इसमें हमारे बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध, आर्यभट्ट हैं, आपने आर्यभट्ट के बारे में बता दिया है ना, तो ये सब आप बता सकते हैं। आर्यभट्ट के क्या क्या सिद्धांत थे, क्या क्या चीज़ें उन्होंने डिस्कवर की, बहुत सारे देखिए हमारे भारत में साइंटिस्ट रहे हैं एक तरीके से, उन्होंने अपनी जो सिद्धांत हैं, अपनी जो लिपियां हैं, जो सिद्धांत, जो बुक उन्होंने बनाई है उसमें अपने साइंस की चीज़ें जो उन्होंने जो नई नई खोज की हैं, टेक्निक है, उन सब के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो आप उसमें देखेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आप उनमें से कोई भी लिख सकते हैं, जो लिखा है यहाँ पे आप वो लिख सकते हैं अपने आंसर में। नागार्जुन वॉज लाइक ही वॉज अ केमिस्ट एंड एन एल्केमिस्ट, ओके। सो नेक्स्ट हमारा आता है ब्रीफली डिस्कस द रीजनल पॉलिटिकल पावर्स दैट एमर्ज्ड इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड। सो रीजनल पावर्स जो भी उठी थी और जो जुड़ी थी जो गुप्ता पीरियड था, पोस्ट गुप्ता पीरियड में, वो आपको बताना है। तो वल्लभी, कन्नौज, इन सब की बहुत ज़्यादा रीजनल पावर्स डेवलप हुई थी। हर्षवर्धन ही वॉज अ लाइक वेरी लाइक हर्षवर्धन जो था वो गोल्डन एज से बिलोंग करते हैं, लेटर गुप्ता पीरियड के हैं। और लेटर गुप्ता में हमारे मगध के एम्पायर भी आते हैं, वो भी आप बता सकते हैं। सेकेंड हमारा पार्ट आ जाता है जिसका थर्ड क्वेश्चन है, हु आर द शुंगा डायनेस्टी, एक तरीके से ये डायनेस्टी थी तो कौन थी। थ्रो लाइट ऑन द टेरिटोरियल कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द शुंगास, तो शुंगास कौन थे,
किस तरह से इनका टेरिटोरियल कंट्रोल था और उनका क्या प्रशासन था वो आप इसमें बता सकते हैं। बेसिकली शुंगास वर ब्राह्मण। अ लेटर टेक्स्ट लाइक हर्षचरिता ऑल्सो रेफर्स एज अ पुष्यमित्रा एज अ ब्राह्मण हु वॉज एन इग्नोबल पर्सन। अकॉर्डिंग टू पुराण्स द शुंगा रूल्स इन इंडिया लास्टेड फॉर 112 ईयर्स एंड मगध वॉज द न्यूक्लियस ऑफ द किंगडम। सो इसमें सबसे पहले हमारे पुष्यमित्र शुंगा हैं, शुंगा जो सबसे पहले इन्होंने बीज डाला अपने इस एम्पायर का। और आगे देखेंगे आप इनके जो आगे आने वाली पीढ़ी है उन्होंने इनको संभाला इस पूरे एम्पायर को। तो यह पूरा एक एम्पायर था, उनके आर्ट कल्चर को भी आप इसमें बता सकते हैं। देन द फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द रिवाइवल ऑफ द ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन इन अर्ली मिडिवल इंडिया। सो अर्ली मिडिवल इंडिया में जो ट्रेड बेसिकली जो व्यापार बढ़ा था दूसरे देशों के साथ, मसाले बहुत तरह की चीज़ें बेची जाती थी, खरीदी जाती थी, वो सब चीज़ों का व्यापार होता था, वो आप बता सकते हैं इसमें। Then the fifth question which we have, what do you understand by Bhakti movement? Describe the different forms of the features of Bhakti movement. तो Bhakti movement क्या था? एक भक्ति आंदोलन था ना, जिसमें मतलब God के लिए एक particular idea develop हुआ था भक्ति का, devotion का, जिसमें हमारे भक्ति movement में बहुत सारे संत सूफी थे। तो वो एक idea आपको बताना है। नयानार्स, अलवार्स, ये भी एक दो तरह के भक्ति मूवमेंट में डेवलप हुए थे। बेसिकली ये शिव एंड विष्णु दोनों में से ये बेसिकली डिवाइड हो गए थे, जो शिव को मानने वाले भक्त हैं, जो विष्णु को मानने वाले भक्त हैं। इस दौर पे हम देखते हैं कि कीर्तन मींस काइंड ऑफ एक कहते हैं ना, जो मतलब गॉड के फॉर द गॉड इट्स काइंड ऑफ म्यूजिक, काइंड ऑफ आर्ट, काइंड ऑफ एक काइंड ऑफ गीत, तो वो सारी चीज़ें इसमें डेवलप हुई थी। तो इसमें आप देख सकते हैं कीर्तन टाइप जो हिंदू टेम्पल में होते थे, कव्वाली जो दरगाह में हुआ करती थी, एंड गुरबानी इस बहुत फेमस हुई थी जो गुरुद्वारे में होती थी। और मिडिवल इंडिया में आप देख सकते हैं इस टाइम पर बहुत ज़्यादा जो एक आइडिया था भक्ति का, एक भक्ति मूवमेंट चलाया गया, जिसमें आप देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव, ये सब बहुत ज़्यादा बड़े ग्रेट थिंकर रहे हैं ऑफ द मूवमेंट। देन हमारा थर्ड पार्ट आता है सोशल सिस्टम ऑफ सातवाहना। देन सेवंथ क्वेश्चन है समुद्रगुप्त क्या, कौन थे, कहाँ से थे, और ये किसके सक्सेसर थे वो आप इसमें बता सकते हैं। देन एट क्वेश्चन है हमारा क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्समैन कौन हुआ करते थे। देन हमारा नाइन्थ क्वेश्चन आ जाता है एग्रीकल्चर सिस्टम इन तमिलकाम। सो एग्रीकल्चरल सिस्टम कहाँ को क्या था वो सब आप इसमें बता सकते हैं। देन टेंथ क्वेश्चन हमारा है ड्राविड एंड संस्कृत। सो ड्राविडियन लैंग्वेजेस एंड संस्कृत लैंग्वेजेस के बारे में आपको बताना है, किस तरह की थी, कौन कौन इसको इस्तेमाल करता था, वो आप इसमें बता सकते हैं। तो यहाँ तक के लिए ये हमारा असाइनमेंट फिनिश होता है। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है और हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमें WhatsApp कर सकते हैं। ऑन ऑर्डर पर अगर आपको असाइनमेंट के आंसर बनवाने हैं तो उसके लिए भी आप हमें WhatsApp कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।